हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। भाई ये मेरा लैपटॉप और इसके लिए मंगाई मैंने नई रैम 8 GB रैम। इसमें पहले ही मेरे को थोड़ा सा और चाहिए था वीडियो एडिटिंग वगैरह के या गेमिंग के लिए, तो मैं इसमें 8 GB रैम और डाल रहा हूँ। तो आज भाई हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। इसके नट्स वगैरह मैं खोल रहा हूँ, आधे तो मैंने खोल लिए हैं, वो मैंने रख रखे हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने नट रखे हैं हिसाब से, जो सा नट जहाँ का है उसको उस हिसाब से आगे रखा हुआ है ताकि बाद में लगाते हैं भूलूँ ना। तो भाई इसको अपग्रेड करते हैं, फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। भाई ये खुल गया है और इसको खोलने के लिए मैंने यूज़ में लिया है मैंने खुल इसका पुराना आइडेंटिटी कार्ड। तो भाई इसमें जो लॉक होते हैं ना, दूसरे प्लास्टिक वाले लॉक भी होते हैं, ये देखो जी छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना आपको ये, तो भाई ये आराम से खोलने पड़ते हैं वरना टूट जाते हैं। अगर टूट गए तो फिर भैया काम ख़राब हो जाएगा। और भैया आज इसको साफ भी कर देंगे हम थोड़ा सा। भाई ये मेरा एसएस का गेमिंग लैपटॉप। भाई ये इसका कूलिंग का सिस्टम है, यहाँ पे इसमें प्रोसेसर है और यहाँ पे इसका एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है भाई। और मेरी एक रैम लगी हुई है 8 GB की है, दूसरी लगेगी यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे। ये मेरे भाई SSD HSD के लिए एक और पोर्ट है जिसकी मेरे को नीड नहीं है। NVMe एक SSD लगी हुई है वो यहाँ है और दूसरी NVMe के लिए जगह यहाँ पे है। अब डालते हैं भाई रैम जो मैंने मंगाई क्रूशियल की 1600 रुपये की, गई है इसमें। अब ये लगा दी मैंने, अब इसको करेंगे बंद, फिर इसको करेंगे रीसेट फैक्ट्री डाटा सेटिंग में, क्योंकि भाई या तो विंडो दोबारा डालनी पड़ी रैम डालने के बाद या फिर रीसेट मारना पड़ता है, उसके बाद ही प्रॉपर काम कर पाती ढंग से। ये नहीं है कि मैंने पहले डाल के देख रखे CPU में डाल रखे पहले, अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो भैया वो दिखा देगी रैम लग गई सब कुछ हो गया, पर प्रोसेसिंग में वो फ़र्क नहीं आएगा। पर आप दोबारा बूट कर दोगे इसको या फिर रीसेट कर दोगे फैक्ट्री डाटा सेटिंग पे, उसके बाद बहुत अच्छे से काम करेगी वो चीज़। अब करते हैं भाई इसको बंद। बोल्ट कसने से पहले देख लेते हैं ऑन करके इसको कि इसके अंदर रैम शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर शो हो गई है फिर तो हम इसके साथ नट बोल्ट लगा के इसको रीसेट कर देंगे। अब इसका ऑन होने का बेटा स्लो हो गया भाई, वैसे रैम लगाने के बाद इतना टाइम लेता नहीं है ऑन होने में ये। भाई अब लॉगिन करके देख लेते हैं इसको। भाई एक सॉफ्टवेयर CPU जड़ के नाम से ये बता देता है कितनी मेमोरी है, पहले 8 आ रही थी यहाँ पे, अब 16 हो गई है, यानी कि रैम हमारी प्रॉपर काम कर रही है दूसरी वाली। अब बस इसको रीसेट करना है। अब करते हैं मैं सबसे पहले इसके सारे बोल्ट बंद, फिर करेंगे उसको रीसेट, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस। भाई रीसेट के लिए मैंने डाल दिया ये मेरा एसएस टफ गेमिंग। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को ये लगता है कि इसके अंदर ना एसएस वॉलन डाल रखा है, जैसे ही आ गया एसएस रिकवरी एक मोड है इसके अंदर, ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि कंपनी से आता है नया लैपटॉप, बिल्कुल वही जैसा फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं वही सब सेटिंग कर देगा, जो उनसे उस टाइम पर विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सब कुछ वही ऑन करके छोड़ देगा। ये उसमें इस टाइम आता था विंडोज़ 10, अब इसमें वापस विंडोज़ 10 आ जाएगी, मेरे को अपडेट करना पड़ेगा फिर ये। फिर भाई ये रैम एक नंबर ही काम करेगी, फिर लेंगे एडिटिंग के मज़े। भैया पता ही नहीं क्या दिक्कत हो गई, रीसेट किया था बार बार दिक्कत हो रही है, रीसेट नहीं हो पा रहा ना विंडो ऑन हो रही हो, लगता है इसका OS उड़ चुका है। अब देखते हैं भैया एडवांस ऑप्शन में जाके दोबारा कुछ कर पाएंगे क्या हम। ये था USB डिवाइस ट्रबल शूट एंड SS रिकवरी, भाई दोबारा करके देखते हैं रिकवरी मोड में हो जाता है तो, वरना फिर इनके पास फ़ोन करना पड़ेगा SS वालों के पास, वो घर आएंगे ऑन साइट वारंटी देते हैं भाई, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको कहीं जाने नहीं पड़ता, आप घर आएंगे आप घर पर आके काम करके ठीक करके यहीं पे चले जाएंगे। भाई ये आ गया दोबारा से, ये कर दिया एक बार और, भाई यहाँ साइड में पता लगता रहता है क्या क्या काम चल रहा है। अब देखते हैं भाई हो जाएगा तब की बार। भाई फाइनली हो गई है, नहीं पड़ी जरूरत हमें किसी को कॉल करने की। अब जैसे नई विंडो डलती है वैसे ऑन होता है, अब ये में से परमिशन लेगा नहीं चाहिए। A little sign in here, touch a Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. भाई वाईफाई अडेप्टर वगैरह सब चल गए हैं, विंडो दोबारा डल गई है, स्पीड भाई मस्त दे रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको इस एग्जस्ट फैन की, फुल पावर वर्क कर रहा है। इसके अंदर भैया मोड है देखो, ये टर्बो मोड पे हो गया,
ये बैलेंस, ये साइलेंट, इसमें ये जो आवाज़ आ रही सब बंद हो जाएगी बिल्कुल। अब ये डिस्प्ले चेंज हो रही है क्योंकि अब आया है ये नॉर्मल वाले इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड पे चल रहा है। जैसे मैं पावर लगाऊंगा तो भैया इसको पावर ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है वापस से एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पे। ये पावर सेविंग के लिए बेसिकली फीचर है। अभी साइलेंट पे है तो आवाज़ नहीं कर रहा है ये। जैसे मैं इसको वापस से करूँगा तो ये बैलेंस हो गया टर्बो पे, अब करेगा ये वापस से आवाज़, तो फुल पावर में काम करेगा फिर ये। क्या बात है।